हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स एंड कुकबुक। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट, जिसको हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। यहाँ हम भारतीय पानीपुरी या पापड़ी नहीं यूज करेंगे, घर की सिंपल रोटी से ही इसको बनाएंगे। मैं यहाँ पर हेल्दी चना यूज कर रही हूँ और बस ऑनियन, टमाटो, प्याज जो घर में रहता है। तो चलते हैं, बनाते हैं पापड़ी चाट। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर रोटियाँ ले लेती हूँ और रोटियों को मैं कट कर लेती हूँ। रोटियों को मैं कट करूँगी या तो पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ से या कोई भी कटर से, डिफरेंट शेप्स में। मैंने यहाँ पर एक फ्लावर का शेप लिया है और नाइफ की सहायता से डायमंड शेप में कट किया है, कुछ इस तरह से। और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कढ़ाई रखती हूँ एक गैस पर। कढ़ाई को मैंने तेज पे रखा है और 2 बड़े चम्मच तेल इसमें डाल दिया है। मुझे अपनी पापड़ी को डीप फ्राई नहीं करना और न ही सिंपल तलना है। मुझे तो सिर्फ तेज पर उसको दोनों साइड पलटते हुए कुरकुरा करके निकाल लेना है, जिससे कम ही तेल में ये बस कुरकुरी हो जाए। अब देखिए, मेरी पापड़ी अच्छी तरह से तल रही है और बराबर कुरकुरी होके कढ़ाई से बाहर आ गई है। अब चलते हैं इस पापड़ी को अपनी मन अनुसार चाट बना के रखने के लिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले सूखे मसाले मिक्स कर रही हूँ। सूखे मसालों में मैं ले रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। अब चलते हैं इस पापड़ी को चाट बनाने के लिए। आप चाहें तो अपनी मनपसंद टॉपिंग इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉर्न, आलू, प्याज, टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। हरी चटनी और मीठी चटनी तो हर चाट में होती है। मैं यहाँ पर 2 तरह की चाट बनाऊँगी, एक दही के साथ और एक बिना दही के साथ। तो चलिए, पहले मैं एक बड़ी प्लेट में अपनी पापड़ी को अरेंज कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ काला चना और फिर धीरे धीरे करके अपनी टॉपिंग्स डालूँगी। मैं डालूँगी इसके अंदर आलू, प्याज और टमाटर। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पापड़ी के ऊपर ही अपनी टॉपिंग डालूं, जिससे वो नीचे ना गिरे और खाते वक्त कोई भी इसे टॉपिंग के संग खा सके। मैं ये कोशिश करूंगी कि पापड़ी की शेप थोड़ी बड़ी काटूं और टॉपिंग्स की कटाई थोड़ी छोटी छोटी करूं। मैं प्याज, आलू, टमाटर डालने के बाद सबसे पहले इसमें हरी चटनी डालूंगी। यहाँ पर हरी चटनी मैंने पुदीने और धनिया की बनाई है और इसमें से पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हरी चटनी के बाद मैं इसमें डालूंगी मीठी टैमरिंड की चटनी और उसके बाद मैं अपने सूखे मसाले डालूंगी। अब फाइनली मैं इसमें डालूंगी बारीक सेव। देखिए, लग रही है ना शानदार मेरी सूखी पापड़ी चाट। कुछ इसी तरह से मैं बनाऊंगी दही पापड़ी। अब चलते हैं दही पापड़ी की सेटिंग करने के लिए। दही पापड़ी के लिए मैं अपनी छोटी प्लेट में, अपनी एक प्लेट में पापड़ियों को पहले लगा लूंगी, कुछ इस तरह से। फिर मैं इसके ऊपर अपनी सारी टॉपिंग्स चने से शुरुआत करती हूँ। चना डालती हूँ, आलू, प्याज ऑप्शनल है। किसी किसी को दही पापड़ी में प्याज नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, पर मुझे पसंद है। मैं दही में प्याज भी डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ और अब अपनी हरी चटनी, मीठी चटनी और फिर सूखे मसाले। बस एक के बाद एक मैं अपनी सारी टॉपिंग अपनी दही पापड़ी के ऊपर डालती जाती हूँ। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ और दही के बाद मैं फिर से इसमें अपनी मीठी चटनी डालूंगी, क्योंकि दही के ऊपर मीठी चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और फाइनली मैं इसको धनिया पत्ती और सेव से गार्निश करूंगी। बस अब तो टेम्प्टिंग चाट मेरी तैयार है। मैं चली इसे खाने। आप भी जरूर बनाएं और जरूर खाएं।